बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं रहा सबसे पहले मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं, आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूँ क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरख्वास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज़ दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरख्वास्त देने पहुँच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूँ, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पर जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो, और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में और खासकर सीमा पर, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस नौजवान को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आगे भविष्य में ऐसा मत करना, सरकार बनवाइए और हम लोग आपको नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बधाई। अभी ठीक है तो क्या फिजिकल कर लिया था? नहीं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूँगा कि एक जो कविता लिखी गई है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और बाद में जो पढ़कर के कहना चाहते हैं वो पढ़ के भी रिसाइट कर देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंच हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं और हमारी पार्टी की साहसी कार्यकर्ता, आज पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई दे रहा हूँ। और एक दो लाइन की कविता पढ़ रहा हूँ जो हमारी पार्टी का पूरा निचोड़ उसी कविता में आ जाएगा कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो।
तो हमको देश के लिए जीना है, और तमाम समाजवादी सोच जो है तो वो बहुत, आज वक्त नहीं है, कभी फिर बात होगी। मैं इस वक्त एक घटना सुनाना चाहता हूँ कि बेकल उत्साही साहब, जो बलरामपुर के बहुत बड़े हिंदुस्तान के उर्दू के टॉप मोस्ट बड़े कवियों में थे, वो एक दफ़े, उनको हमने बुलाया था सैफई में कवि सम्मेलन में, तो उन्होंने घूम फिर के फिर सैफई पर एक कविता लिखी थी जो वो न तो सुना पाए उनको, नेताजी को, और ना आपने भी नहीं सुनी। तो वो कविता जो है थी हमारे पास किसी तरह से, तो उसे प्रदीप अली ने गाया है। प्रदीप अली मेरे पास बैठे हुए, प्रदीप अली की कहानी यह है कि इन्हें हल्का सा कैंसर का वो हो गया था, तो हमारे अध्यक्ष जी ने उनका इलाज करवाया था, और उसके लिए ये प्रदीप अली ने मुझसे कहा कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इनके सांप छीन लिए गए हैं। हालांकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पत्रकार साथियों के सामने बोल रहा हूँ, इन पे बहुत स्टॉक है अभी और ज़रूरत पड़ने पर देखो, ए एबीवीपी कौन चैनल में हो पांडे जी, एबीवी में हम सपेरे भाइयों से कहेंगे ज़रूरत पड़ने पे एक सांप हमें भी दे देना समझ गए भाई, हम पे कोई बजट तो है नहीं तो एक बार क्या हुआ एक बार क्या हुआ कि हम लोगों के ये जनेश्वर पार्क में बहुत सारे, जब बनाना था तो सांप की शिकायत आ रही थी कि सांप बहुत निकल रहे हैं। मैं इन सपेरे लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने सब सांप पकड़े और एक भी सांप को मारा नहीं, सोचो, और सबको छोड़ दिया फिर हैं कई हजार। अब बोलिए मत, तो उसमें जांच कराने के लिए आदेश हो गए, जांच कराने के लिए। आप लोग जानते होंगे अखबारों में आई थी खबर कि जांच होगी कि सपेरों को पैसा दिया गया, सांप पकड़े गए। तो मैंने उस दिन स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, कि ठीक है मैं अपने सपेरों से कहूँगा सब सांप वापस ले आओ, और जिसने जांच करने के लिए कहा उनके घरों में छोड़ाओ। और मैं बधाई देता हूँ LDA के अधिकारी, समझे उसका जांच नहीं हो रही। तो इन्होंने अच्छा काम भी किया है, और मैं इनको हर बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, जब समाजवादी सरकार बनेगी, जो मैं एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बना रहा था, जो नहीं बना पाया सरकार जाने के बाद, मैं इन सपेरों को और इनके तमाम परिवार के जो लोग जीवन यापन बहुत गरीबी में कर रहे हैं, इन्हें भरोसा दिलाते हैं पेंशन सुविधा और स्नेक चार्मर्स विलेज बना करके इनका जीवन स्तर बेहतर करेंगे। इसलिए बधाई इन लोगों को भी, इनाम बाद में लेके जाना। इनाम की कोई चिंता नहीं, नहीं इनाम इसलिए देना जरूरी है, सोचिए बीजेपी वालों ने इनसे भी अन्याय किया, अपमानित किया इन्हें भी। या है सर, मुझे याद है हमारे लिए वोट दे रहे थे ये, एक बीजेपी के नेता है, इन्होंने मुझे नाम बता दिया है, एक बीजेपी का नेता है जिसने इनके साथ हाथापाई की, बात पीट हुई है था। और उसने, पुलिस ने FIR नहीं लिखी चुनाव के समय पर, लेकिन हम भूले नहीं है ये बात। नहीं नहीं नहीं, वही बीजेपी का नेता इनसे माफी मांगेगा एक दिन आकर के। और एक हमारा, हालांकि ये समय नहीं उस चीज का, जब वो लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक, यादव, आइए आइए, ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा, और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूँगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल दो ही नाम पढ़े गए, केवल दो नाम पढ़े गए यादव, वो कहाँ गया लड़का? वो बेचारा अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए बीमार था, अब तो छूट आया जेल से,
लेकिन सोचिए ऐसी सरकार है, बताइए आप, जो अन्याय कर रही हो, अपमानित कर रही हो। इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी लोकतंत्र बचाइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।